चुके हैं और अभी थोड़ा सा मम्मी पापा और भी आए थे मिलने, तो वो भी चले गए हैं मिलके। और मैं जाऊंगी चूड़ी लेने, साड़ी के साथ का मैंने चूड़ी नहीं लिया है, बाकी तो सब हो गया है। और शाम को ही करेंगे मेकअप वेकअप, चेंज वगैरह कर लेते हैं क्योंकि सूट वेयर कर लेते हैं, और फिर अगर सो गए तो फिर सुबह उठेंगे फिर 4 बजे वाली पूजा में, नहा धो के फिर पूजा करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसा करते हैं। हेलो एवरी वन, वेलकम बैक आवर चैनल और अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से, गुड आफ्टरनून हो चुका है। और आज जैसे कि है हम सबकी तीज, हड़तालिका तीज जो नेपाली लोगों में होती है, तो मेरा है फास्ट। तो ये फास्ट बहुत कठिन होता है, निर्जला, और पानी वगैरह भी इसमें रात के 12 बजे ही पीते हैं। और चाय वगैरह तो जब शाम की 8 बजे की पूजा होती है, फर्स्ट पूजा, तो उसके बाद पी लेते हैं, बट जो 12 बजे की पूजा होती है तो रात को उसके बाद ही पानी पीते हैं। तो काफ़ी कठिन होता है फास्ट। तो नहा धोकर पूजा वूजा सब कुछ कर लिया है अभी नॉर्मल, और अभी मैंने घर का ही कपड़ा वेयर करा है। और वैसे मैंने 2 आउटफिट बनाए हैं आज तीज के लिए, एक सूट और एक साड़ी। तो साड़ी शाम वाली पूजा के लिए वेयर करेंगे, और अभी फ़िलहाल मैं पहनूंगी सूट। तो अभी पहले दिन का खाना वगैरह बना देते हैं पापा और अगले, और फिर चेंज करूंगी मैं सूट क्योंकि फिर अभी गंदा हो जाएगा। तो अभी पहले करते हैं खाने वाने की तैयारी करते हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या आउटफिट वेयर किया है आज और क्या शाम को वेयर करने वाली हूँ। तो अभी सब दिखाएंगे। और मैंने मेहंदी लगा दी थी कल, तो मेहंदी तो रच गई है अब, बाकी अभी क्या बोलते हैं इस हाथ में भी लगी है। चूड़ी वगैरह लेकर आनी है मेरे को अभी, अपनी क्या बोल उसकी साड़ी वगैरह के साथ की चूड़ी वगैरह लेकर आनी है, तो वो अभी जाऊंगी मैं लेकर आऊंगी। और तब तक मंगलसूत्र वगैरह वेयर कर लिया है और पायल वायल वेयर कर ली है, बाकी नेल पेंट रिमूव करना है, दूसरा लगाना है, वो अभी करेंगे। तो पहले खाना वाने की तैयारी करते हैं, फिर मिलेंगे बाद में। दिया है पापा को और बच्चों ने भी खाना खा लिया है, और अब क्या बोलते हैं मैं फटाफट चेंज करती हूँ, सूट वेयर करती हूँ, और सूट वेयर करती हूँ उसके बाद मेरे को जाना है। अभी चूड़ी वगैरह नहीं ली है मैंने, और नेल पेंट वगैरह तो मैंने लगा ली है क्योंकि मेरा रात का आउटफिट कुछ इसी कलर का है। और बाकी अभी फटाफट से चूड़ी वगैरह लेकर आते हैं, फिर शाम को ही होगी पूजा। अभी 2 बज चुके हैं और अभी बस मैं सूट वेयर करती हूँ जो मैंने अभी दिन के लिए बनवाया था, तो फिर मिलते हैं वेयर करने के बाद। मेरा कुछ इस तरह का आउटफिट है अभी का, ये सूट मैंने सुबह से शाम तक के लिए रेडी करवाया था, जो अभी पहन नहीं पाई वो अब पहनती हूँ। तो ये इसका बॉटम है, ये इसका अपर है, ये इसका दुपट्टा है। तो अभी रेडी करते हैं फिर फुल लुक दिखाते हैं। मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और आउटफिट मैंने आपको दिखा दिया था, बट अभी फुल लुक अभी दिखाऊँगी आपको। और ये साथ में चूड़ी वगैरह भी सब वेयर कर ली हैं काफ़ी अच्छे से, और बाकी साड़ी वगैरह तो शाम को ही पहनेंगे। तो अभी ये सब करते हैं और फुल लुक भी अभी दिखाते हैं आपको, और बाकी शॉर्ट्स वगैरह मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, जब आप लोग ये व्लॉग आएगा तब शॉर्ट्स वीडियो भी आएंगी, तब आप देख लेना। और अभी फ़िलहाल करते हैं थोड़ा सा बैठते हैं, फिर शाम की तैयारी भी करेंगे, वैसे 4 तो बजने ही वाले हैं, और फिर हम मिलते हैं बाद। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। आप लोगों ने मेरा लुक देख लिया है सूट वाला, और अनुभव ने दिखा दिया है, और फिर कमेंट करना कौन सा ज़्यादा कैसी लग रही हूँ मैं सूट में भी। और अभी फ़िलहाल मेरे को मार्केट भी जाना है चूड़ी वगैरह लेने, और 4 बज चुके हैं, और अभी थोड़ा सा मम्मी पापा और भी आए थे मिलने, तो वो भी चले गए हैं मिलके। और मैं जाऊँगी चूड़ी लेने, साड़ी के साथ का मैंने चूड़ी नहीं लिया है, बाकी तो सब हो गया है। और शाम को ही करेंगे मेकअप वेकअप, ज़्यादा मेकअप किया नहीं है अभी। तो बस अभी थोड़ी देर ऐसे बैठते हैं, और उसके बाद जब जाएंगे मार्केट तो फिर चूड़ी वगैरह लेकर आते हैं, फिर मिलते हैं बाद में।
तो चूड़ी वगैरह मैं सब कुछ लेकर आ गई हूँ और बस अब फटाफट से शाम की करते हैं तैयारी। 6:30 हो गए हैं अभी। मुझे अपना जो मैंने शादी में लहंगा वेयर करा था, जो शादी की चुन्नी है, वो भी मुझे निकालनी है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, तो वो भी निकालनी है। और चूड़ी वूड़ी भी चेंज करेंगे, साड़ी वाली पहनते हैं चूड़ी। और बाकी अभी देखते हैं क्या क्या रह गया है करने के लिए, थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी करते हैं और फिर साड़ी वेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल करती हूँ और फिर मम्मी और पूजा की भी तैयारी करेंगे। मम्मी गई है थोड़ा बहुत सामान लेने, बाकी तो मैं फूल वगैरह ले आई हूँ, जो जो चढ़ता है सब कुछ। और मम्मी गई है पूजा का सामान लेने, जो पूजा में चढ़ेगा, तेल वेल धूप वगैरह दिया वगैरह। फिर मम्मी लेकर आती है, जब मंदिर वंदिर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, और मैं भी तैयार हो जाऊंगी तो मैं भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी बने रहिए और अभी हम होते हैं तैयार, फिर मिलते हैं। तो ये है मेरा सेकेंड आउटफिट, शाम की साड़ी, जो अब 8 बजे वाली पूजा होगी उसके लिए। इसमें सेट है, इसमें भी तिलरी वगैरह, रिंग्स वगैरह एंड ऑल। तो अब होते हैं रेडी, फिर मिलते हैं। तो मैं हो गई हूँ यहाँ रेडी अपनी पूजा के लिए, और अभी थोड़ा सा बाहर ढंग से नहीं बनाया है क्योंकि लेट हो रहा है, 8:45 हो गए, 8 बजे पूजा होती है। और अब चलते हैं फटाफट से पूजा वूजा करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं, बाहर पूरा मंदिर बन गया है वो भी दिखाते हैं और पूजा करते हुए भी दिखाते हैं। तो अभी मिलते हैं। जलाई देवी, अच्छा है ना, ये बताओ मैं तो अभी होगी हमारी पूजा, पूजा में है टाइम। और इधर है अदिति, अदिति भी तैयार हो गई है, आज भी सासू माँ नहीं पहनने वाली है साड़ी। हाँ, और सब लोग आए हैं रेडी होकर, घर भूपू ने भी साड़ी पहनी है, मम्मी नहीं पहन रही है साड़ी। और इधर है अनुभव, अनुभव से हेलो हाय। और इधर है देवर जी, देख सकते हैं आप अंकित नानी को। और अभी करते हैं पूजा, फिर पूजा भी दिखाएंगे आपको कैसे होती है हमारी पूजा। तो अब बने रहिए, फिर मिलते हैं। वो नानी का पाला हुआ है ऐसे, मैं तो आऊंगी नहीं, तो बाद में ले लेंगे आपको, मुश्किल क्या है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, मेरे को भी तो आना है। हाथ धो के आओ। अच्छा अंकित जैसे बैठ जाए, मैं भी बैठ जाऊंगा। अच्छा जाते पैसे लेके जा, हमें भी आई रहा हूँ, आप आ रहे हो, वो दीदी नहीं आ रही है। तो एक प्लेट बहुत है छोटी वाली, ये है दक्षिणा। अरे मेरे फोन में थी दक्षिणा, नानी और नहीं आपके पास खुले ऑनलाइन? दोनों की कटोरी है, अनुभव कटोरी लाके दे नानी को भी दे। अरे वो मैले वही राखी छु, धुई रख ये अदिति। इसमें मैंने गंगा जल नहीं डाला लोटे में, नहीं पता नानी स्वास्तिक ना, लोटे में गंगा जल डाल लेते छुटकी मिला क्या, नहीं इसमें गंगा जल में ये देखो, ये मोबाइल चला रहा है, ये पूरा दिन मोबाइल दिख रहा है आज। सबसे पहले शंकर भगवान को जो लोटे में चला है ना, चलो तो हाथ लगा देंगे बेटा, वहाँ चलो, मेरे तो हाथ लगा लूँ, चल चढ़ा लेको बोला।
नहीं नंदे आमाजू इनको बहुत मच्छर खा रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे, अब ये वहाँ चली गई है। आप इस हाथ लगा के रखो ना, देख रहे हो? नहीं मुझे लगा कि अब तक मुझे दोबारा कभी मुझे नहीं नहीं, नहीं। ये देवर है इनका, ये तो खाता ही रहता है, जब देखो ये देखो पेट भाई मेरे बताइए तो आ रहे। चलो माता को चाहते साइड में, कोई काम कराएंगे तो चिढ़ जाता है पहले ये, तो दस दफा बोलोगे तो भाई चिढ़ने की तो बात है। मैं जो भी दी कि मुझे अपने पर ही हां मैं जला दूं दिया आंटी मैं जला दूं थोड़ा नीचे रख। अरे जी अब तो बड़ा छोटा छोटा लग रहा है कि मैं क्या तुम तो चले जाओगे। हाँ तभी भैया छोटा छोटा मंगाए, दीदी ने कहा छोटा छोटा ले। अरे बड़ा छोटा इसलिए छोटा है, छोटा लाए हम, बड़ा वाला नहीं लाए। पापा को बुलाते जरा हम लोगों की 8 बजे वाली पूजा हो गई है और अब होगी कथा, तो आंटी कथा सुनाएंगे, तो अभी वो भी सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों में यह व्रत इच्छा स्थल पाने की सब धर्मों से सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ यदि आप भली भांति प्रसन्न है तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ आप यदि मध्य और अंत रही आपकी माया का। श्री महादेव जी बोले हे देवी यह सूर्य तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता परम दुख है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, वैसे पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय उसी का तो मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो भादो के मास शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन सूरज का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय में पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली है प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझसे मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दयान रहता है। ये पार्वती जी तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास पर अन्य कहा है, हे मुनिश्वर आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले एक गिरिराज मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या नारद जी अटक में अंतर्धान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा प्रभु आपका यह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रश्न पूर्वक कहा है पुत्र मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया, तुम्हारी इच्छा
पूर्ण करूंगी। पार्वती बोले हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है श्री महादेव जी के श्री माने ने उनको घर पर लगा कर सोचा कि मेरे पत्नी को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को तो 8 बजे वाली पूजा हो गई है हम लोगों की और अब होगी 12 बजे वाली पूजा। तो 10 बज चुके हैं और अभी चाय वगैरह पी लेते हैं। तो मम्मी बना रही हैं कि मैं बना देती हूँ चाय वगैरह, और चाय वगैरह पीते हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर थोड़ा सा आंटी और हैं इधर, आशा आंटी, और उनके घर जाएंगे थोड़ा सा, फिर वहाँ का भी दिखाएंगे आपको कैसा हो रहा है। और अभी थोड़ा हम भी शूट कर लेते हैं, अपना रील वील बनाते हैं थोड़ी सी और फोटो वोटो शूट करते हैं। तो मिल चुके हैं 12, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा 5 मिनट रह गया है और अब फटाफट से हम 12 बजे वाली पूजा करेंगे। तो अदिति मैं करते हैं पूजा 12 बजे वाली। तो 12 बजे वाली भी पूजा हो गई है, सब कुछ हो चुका है और अब देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि 4 बजे एक लास्ट पूजा होगी, उसके बाद ही व्रत खुलेगा। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी देखते हैं और आप सोच रहे हैं चेंज वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि सूट वेयर कर लेते हैं और फिर अगर सो गए तो फिर सुबह उठेंगे फिर 4 बजे वाली पूजा में, नहा धो के फिर पूजा करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसा करते हैं, अदिति का भी देखते हैं। अदिति तो अभी फ़िलहाल यहीं बैठी है और अभी देखते हैं कैसा होता है। मैंने तो चेंज कर लिया है फ़िलहाल, अभी घर वाला ही पहना है और जब 4 बजे वाली पूजा होगी तब जाके सूट वेयर करूँगी। साड़ी चेंज कर दिया है, बहुत टाइम हो गया पहने, और अदिति ने तो साड़ी उतारी नहीं है, और अदिति तो अभी शूट कर दी है अपना, और फिर उसके बाद अदिति तो अब 4 बजे वाली पूजा के बाद ही चेंज करेगी। और अभी बज रहे हैं 1:45, 2 बजने में भी टाइम है और ऐसा लग रहा है कब टाइम ख़त्म होगा, नींद भी आने लग गई अब तो। तो अब करते हैं थोड़ा सा बैठते हैं फिर देखते हैं 4 बजे पूजा होगी फिर तब मिलेंगे। कर उठ चुके हैं और बज चुके हैं 4:30 और नहा भी लिया है और अब करते हैं पूजा। फटाफट से रेडी भी हो गई हूँ, नहा धो के अब चलते हैं बंदर बाहर, पुप्पू और उठ गए हैं सब लोग, और कर लेते हैं पूजा फिर मिलते हैं आपसे। हमारे भगवान जी पूरे ढक चुके हैं, हमारी 4 बजे वाली पूजा और अब पूजा हुई समाप्त। अब इसके बाद हम खा सकते हैं कुछ भी, तो अब बनेगा खाना वगैरह। तो पहले उससे पहले कन्या को जिमाना पड़ेगा, कन्या को जिमा कर उसके पैर का पानी पी के तब जाके होता है, और अगर पति हो तो फिर पति का करना पड़ता है, बट पति अगर बाहर है तो फिर कन्या को ही करना पड़ता है। और मम्मी और पप्पू को देख सकते हैं आप, और अदिति बेचारी साड़ी में ही बैठी पूरी रात बेचारी अदिति ने आज साड़ी में काट दी है। अब जाएगी, अब चेंज करेगी, फिर हम बनाएंगे खाना वगैरह, फिर कन्या को भी जिमाएंगे। तो अभी मिलते हैं बाद में, जब अदिति चेंज वगैरह करके आएगी तब। तो पूजा जैसे कि हो गई आपको पता है हमारी, और हमने अपने मंदिर यहाँ पे भी पूजा कर दी है, और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और अदिति के लिए। मम्मी तो अभी नींबू पानी पी रहे हैं, अभी नहीं पियेंगे, और यहाँ पर बन रही है चाय, और यहाँ पर हमने आलू रख दिया है, मतलब ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। और वैसे मम्मी तो कह रही है पहले रेस्ट कर लो फिर बाद में वो करना, और अदिति के लिए माई जो ऐसा करते हैं बना लेते हैं तो फिर बना बना के सोएंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी देखते हैं कैसा होता है। तो आलू तो फिलहाल रख दिए हैं उबालने, और अभी देखते हैं मम्मी की भी नींद हम लोगों के साथ साथ मम्मी और का तो अब खैर व्रत नहीं होता है, मम्मी और ने वो कर दिया है, सांगे कहते हैं कि मतलब नहीं रखते हैं व्रत ना, तो जब मम्मी और ने कर दिया है तो बस मम्मी हमारे साथ जगे रहे, मम्मी और फूफू रहे, और अब मम्मी चाय वाय मम्मी डाल दिया चीनी चाय पत्ती, चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाएंगे और फिर मिलेंगे बाद। चाय वगैरह सब कुछ पी लिया है, और अदिति तो आई थी, अदिति ने वहाँ उधर बना दी होगी चाय पर कॉल हो गया तो उसने नहीं पी है, और मैंने पापा को चाय दे दी है। और अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, क्योंकि 6 बजने वाले हैं तो फिर 8 बजे तक छोड़ती हूँ, उसके बाद फिर उठ के खाना वाना बनाएंगे जो प्रसाद बनाना है, उसके बाद कन्या जिमाएंगे। तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, और तो मिलते हैं बाद। उठी और उठने के बाद अब बना रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं। इधर अदिति गूंध रही है आटा, और इधर यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है आलू की, पूरी के लिए तेल रख दिया है, और अभी इधर भी बनाएंगे रायता, मैं बूंदी ही ढूंढ रही हूँ, अभी मम्मी आएंगी तो बताएंगी। अब फटाफट से बना लेते हैं, फिर कन्या भी जिमाएंगे। तो अभी पहले पूरी वूरी सब रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं।
खाना वगैरह तो हमने सब बना दिया, बस अब खाएंगे, बाकी सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है और अभी हम कन्या का पैर धो के पिएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी करते हैं इधर और मम्मी आपको दिखाएगी कैसे होता है और मैं मम्मी दिखा देगी आपको कि कैसे करते हैं और हम करेंगे, मैं और अदिति करेंगे, फिर मम्मी आपको दिखाएगी। और अब हम ऐसे ही करने वाले हैं क्योंकि अब सूट पहनने की हिम्मत नहीं है दोबारा, और अदिति को देख सकते हैं। तो अब हम फटाफट से करते हैं और उसके बाद फिर और ये अनुभव को देख सकते हैं। सब्जी 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 अनुभव सब्जी गिर रही, तो अब फटाफट से करते हैं फिर दिखाते हैं। बनवा लो काव्या, ला मेरे को तो मैं डालू पानी। कर दी है काव्य की पूजा, तब कन्या की पूजा और अब हम लोग खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। अब नमक कल से नहीं खाया हम लोगों ने और अब खाएंगे हम लोग नमक, अब भूख लग चुकी है तो हमने चाय भी चढ़ा दी है, चाय भी लगभग बनी चुकी है और अब फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट और आपको भी दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, मतलब वो खोलेंगे व्रत और ये बनी है आलू की सब्जी, ये है रायता, ये है अचार और यहाँ पे है पूरी जो अदिति ने रख दी है और अब इसको खाते हैं फिर मिलते हैं। फिलहाल सब कुछ हो चुका है, व्रत भी खुल चुका है और अब हो रही है दिन के खाने की तैयारी और आज मुझे घर पे जाना है क्योंकि गणेश चतुर्थी है, मम्मी और गणेश जी बिठाते हैं। तो अभी बस खाना वाना मैंने तैयार कर दिया है और फिर मैं थोड़ी देर में जाऊँगी घर। तो इस वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तीज वाला व्रत हम लोगों में कैसे रखते हैं, कितना कठिन होता है, कब पानी पीते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से उसको देखना, फिर बताना कमेंट करके कि कठिन है कि नहीं। तो मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।